नमस्कार, मैं हूं प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं बदायूं शिखर। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की खास खबर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के बदायूं में, जहां एक गांव में जनता ने मतदान से बहिष्कार किया है। जी हां, उसावा ब्लॉक के गांव पंचायत मसूदपुरा के ग्राम तरसुरा में बूथ संख्या 401 का मामला है, जहां पर तरसुरा निवासियों ने मतदान करने से मना कर दिया है और मतदान का बहिष्कार किया है। जी हां, ये खबर उसावा ब्लॉक के ग्राम तरसुरा की है, जहां पर विकास से उपेक्षित गांव के लोगों ने मतदान करने से मना कर दिया है और बूथ खाली पड़ा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि बूथ पर बिल्कुल भीड़ नहीं है। आप लोगों ने चुनाव बहिष्कार किया, किस कारण किया है? इसीलिए किया है कि हमारे गांव का कोई संशोधन वगैरह हो सके, रोड का वगैरह का, बत्ती का और मरकरी लाइटों का सबका हो सके। और मैं यही जानना चाहता हूं साहब, हर जगह सीसी रोड वगैरह सब कुछ हुआ है, मरकरी लाइटें लगी हुई है, मगर हमारे गांव में ऐसा क्यों है, क्यों नहीं लग रहा है? हम इस बात को जानना चाहते हैं और आप लोगों के बीच में ये हमने प्रस्ताव रखा है, इसलिए हम मतदान नहीं कर रहे हैं इस समय। इस समय हमारे साथ हमारे संवाददाता रिंकू शर्मा तरसुरा से मौजूद है फोन लाइन पर। आइए बात करते हैं रिंकू शर्मा से, क्यों वहां किया गया है चुनाव बहिष्कार। जी रिंकू, क्या मामला है पूरा? जी पूरा मामला ये है, यहाँ पे क्या नाम, कुछ जो गांव का विकास है उसको लेकर के गांव वालों ने जो वोटिंग का बहिष्कार कर रखा है। तो क्या इस समय तक कितना वोट पड़ा है, कुछ वोट पड़ा है या नहीं? बिल्कुल अभी यहाँ पे इस बूथ में मैं खड़ा हूँ, बूथ संख्या 402 पे 401 पे कोई भी वोट अभी तक नहीं पड़ा है। जी, इस पर किसी प्रशासनिक अधिकारी ने या प्रशासन ने कोई इस पर अमल किया है या नहीं? अभी तक प्रशासन को सूचना है इस बात की कि यहाँ चुनाव का बहिष्कार कर दिया गया है? जी सूचना है, लेकिन अभी तक जो मैं बताना चाहूंगा आपको कि थाना उसाइस से एसओ साहब गांव में आ चुके हैं और गांव लोगों से बात कर रहे हैं और अभी वो बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया है। एसओ साहब उसाइस से आ चुके हैं। ये तरसुरा गांव उसावा ब्लॉक का है, किस लोकसभा क्षेत्र में आता है? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, ये लोकसभा आंवला में पड़ता है। जी जी धन्यवाद रिंकू शर्मा।